Alexa, red light. Okay. Alexa, blue light. Okay. Alexa, read two table. 2 ones are 2. 2 twos are 4. 2 threes are 6. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ ब्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज हम मटन नान को बारबेक्यू करने वाले हैं, मटन नान की। तो कि ये हमने मैरिनेट कराया। नजमा, कितने घंटे कराए मैरिनेट इसे? ये हो गए 24 hours, मतलब 24 घंटे पूरा इसे मैरिनेट कराया। और ये कितना हो गया? ये मेरे ख्याल से 10 किलो लग रहा है कम से कम। अरे 10 किलो का तो पकड़ा नहीं था। अच्छा, तो ये एक रान है ना? एक रान मेरे ख्याल से 2 किलो है, 1.5 किलो की होगी, है ना? दो किलो है, दो किलो। तो इसे मटन नान को आज चलिए करते हैं बारबेक्यू, और पूरा आपको दिखाते हैं इसका पूरा प्रोसेस। मतलब अभी इसमें क्या क्या मसाले लगाए बता सकते हैं कुछ? इसके अंदर हमने लगाया है लहसुन का पेस्ट है, दही है, नींबू है, तेल है, और शान का मसाला है। शान का मसाला कौन सा? मटन नहीं, नहीं, रोस्ट मसाला जो आता है उसका नॉर्मल। अच्छा, वो डाला है। और अपने फ्लेवर के लिए कुछ अपने मसाले डाले हैं। अच्छा, और इसे मैरिनेट करा है 24 घंटे कर रखा है था। अब चलिए, अब आग जलाते हैं। आग जलाते हैं, इसको हम करते हैं। पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पे तो हमारा बहुत बेकार हुआ था, अभी से कच्चा रह गया था। सेकंड टाइम में बहुत ठीक हुआ था, अच्छा हुआ था। लेकिन पिछले बार 16 घंटे करा था ना मैरिनेट, तो थोड़ा सा कुछ कम रह गया था। लेकिन लोगों फिर उसके बाद लोगों ने राय दी, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे करो। तो अब थोड़ा सा हमें एक नया वो तरीका है। कुछ लोग ने कहा था इसको बॉईल करके करो तो पूरा गल जाता है। तो करा बॉईल करने में आपको वो जाता है उसके पानी पानी सा हो जाता है, वो चीज हमें नहीं करनी है। अच्छा, तो इसका दूसरा तरीका है, वो हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। तो चलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अब चल के जरा कोयला वोला जलाते हैं और दिखाते हैं। अलेक्सा, टर्न ऑफ द लाइट। ओके लेकिन कपड़ा जो होता है ना, वो नायलॉन वाला, नायलॉन पॉलिस्टर, उससे भी बहुत तेज आंख पकड़ती है। तो देख सकते हैं हम लोग एल्युमिनियम फॉइल लगा रहे हैं इसके ऊपर। एल्युमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देंगे ना इसे, ये जो है रान। तो फायदा क्या है इसका? ये स्कीम से पकेगा। अच्छा, ये लोग बॉयल करने को कहते हैं, बॉयल करके उसका गोश्त का टेस्ट खराब नहीं करना है हमें। जो ये जो थोड़ा बहुत जो कम पक पाएगा, हाँ, उसका ये अल्टरनेटिव कि आप एल्युमिनियम फॉइल में रैप कर दें। ये रही रान हमारी, और इसे एल्युमिनियम फॉइल में भी रैप कर दें और दिखाते हैं आपको। और आज ईद का 14th दिन है। लीकेज प्रूफ बनाएंगे थे, रान को कर दिया पैक। तो 25 मिनट हो गए हैं, और इसे चलिए पलट देते हैं हम लोग। थोड़ा हिसाब से पलटना होगा। और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, इसका मतलब यह है कि पकना हो शुरू हो गया ना, लीकेज हो गई क्या? तो चलिए अब इस साइड से भी इसे 25 से 30 मिनट पकाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कैसा हुआ। इसको वाटर जो था। सो फ्रेंड, अभी 20 से 25 मिनट लगेगा। तो हम सबसे ऊपर वाली छत पे आ गए, मतलब स्टेयर केस जो होता है उस पर आ गए, और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखाते हैं। देखिए कॉलोनी का, ये देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो गया है। और यहाँ पे नीचे हमारे घर के सामने क्रिकेट की एकेडमी है, उसका भी ब्लॉग किसी दिन शूट करेंगे और आपको दिखाते हैं। और ये देखिए नीचे, यहाँ पे हमारा बारबेक्यू, जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए आधा घंटा हो गया, दोनों साइड से पक गया है। अब थोड़ा सा इसे चेक करके देखते हैं कि क्या कुछ है इसका। स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है,
चलिए तो एक बार एल्युमिनियम फॉइल को हटा के देखते हैं क्या अपडेट है। अगर फॉर्क से करके देखिए, अरे नहीं पका भी ना यार, टाइम लगेगा इसमें भी अच्छा खासा। तो दोनों साइड से हमने 25-25 मिनट पका लिया है, एक घंटे करीब, फिर भी अभी पका नहीं है। अब मेरे ख्याल से एल्युमिनियम फॉइल को हटा के पकाइए, है ना? हो गया गल गया ना, और मैरिनेट पका भी अच्छा हुआ, देखिए हड्डी अलग हो गई है। अब मेरे ख्याल से ये एल्युमिनियम फॉइल को हटाए करिए, अभी नहीं अभी थोड़ा सा, कितना 10-20 मिनट और। अच्छा गल गया है ये, देखिए फॉर्क एकदम आसानी से इजीली अंदर घुस जाता है। ये वो हटा दिया ना हम लोग ने फॉइल, अभी थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा ना। हाँ, इसको थोड़ा सा अब फाइनल उसको वो करेंगे, इसकी थोड़ी सी ऑयलिंग कर दे रहे हैं ताकि जो जूसीपन इसका बरकरार रहे। और एल्युमिनियम फॉइल लगाने से ये अच्छा हुआ ना कि बहुत अच्छे तरीके से वो पक गया है ना। मैंने कहा था ना अच्छे से गल जाएगा, बंदूक खाना। इसे पलट दिया हम लोगों ने और अब इसे बैक साइड से भी ऑयलिंग करना है। अभी कितनी देर और लगेगा नहीं भाई? बस हो गया, कितना अच्छा कलर आ गया है, तो मुझे लग रहा है 10-15 मिनट और लगेगा बस। तो 8:30 बजे हमने स्टार्ट करा था इसे बनाना और अभी 10 बज रहे हैं। दो घंटा लगता है तकरीबन। चेक करिए, पहुंच गए, चल गया, पूरा हो गया भाई। तो गाइस फाइनली हमारा हो गया है, एक बार फॉक्स से चेक और कर ली। नहीं चेक है, चेक दे। ओके चेक, ओके चेक दे। स्मेल भी बड़ी अच्छी आ रही। चलिए अब चलते हैं नीचे। Okay. Alexa, blue light. Okay. Alexa, white light. Okay. Play Twinkle Twinkle Little Star. Twinkle Twinkle Little Star by Nursery Rhymes and Kids Songs from Hungama Music. Alexa, stop. Alexa, study two table. Two ones are two. Alexa, stop. Two fives are ten. Alexa, stop. Alexa, turn off the light. Okay. Alexa, light on. Red. Okay. Red light. Alexa, white light. Okay. Alexa, blue light. Okay.
एलेक्सा रेड लाइट। ओके एलेक्सा ऑन लाइट। ओके एलेक्सा व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज एलेक्सा। आई फाइंड दैट इट्स अ ग्रेट कन्वर्सेशन स्टार्टर। एलेक्सा व्हाट इज योर फेवरेट कलर? आई लाइक अल्ट्रावायलेट। इट ग्लोज विद एवरीथिंग।